अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं हाज़िर हुआ फिर एक नई वीडियो के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगा कुछ डरावने से सीन, जिसे कह सकते हैं जी। तो आज मैं चाह रहा हूँ सैलाब की थोड़ी सी सूरत हाल को देखने के लिए। ताहिर फौजी जो है हमारा प्यारा स्वीट कज़न, उसका मुझे फ़ोन आया कि चलते हैं जी, आके देख के आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वीडियोस शेयर कर लूँ ताकि वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूँ, जिसमें जोहरा बाग, खुशाब, हरडाली, जब भी और ये जोया, जितने भी हमारा करीब का एरिया है, कोशिश करूँगा एक एक पॉइंट पे जाके थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर करूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। और हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जी ताहिर साहब आ गए। जी व्यूअर्स, अभी हमने चूज़ किया है पहले हडाली जाने का। उस साइड पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था, तो अभी मोटरसाइकिल की आवाज़ जो मैंने बैकग्राउंड की वो बंद कर दी है। तो मैंने कहा खुद मैं पहले अपनी आवाज़ पे बात। ये जितना भी एरिया है सारा, इसके साइडों पे ट्रेन की पटरी भी है, और अभी हम रोड के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। रोड के ऊपर 1.5-2 फुट का पानी कम अज़ कम है। लोगों के जो घर हैं तकरीबन कमरे आधे आधे पानी से भर गए हैं। तो अभी ये मैं जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा था वही हो गया है। मोटरसाइकिल में पानी चला गया है जी। अब हम पैदल मार्च शुरू कर दिया। ये इस साइड पे पानी देखें, मैं पाँव शूज़ पहन के गया था जी, सारे गंदे हो गए हैं, पानी से भर गए हैं बिल्कुल ही। ये सामने आपको ट्रेन की पटरी नज़र आ रही होगी, मैं अभी दिखाता हूँ एक मिनट। ये कोई काफ़ला गाड़ियों का आ रहा है, इसको गुज़र जाने दें, अभी दिखाता हूँ। सुना था कि उस्मान बुज़दार साहब आ रहे हैं, हमारे वज़ीर आला पंजाब, तो पता नहीं ये तो वही हैं सर्वे करने के लिए या हमारे ही असिस्टेंट कमिश्नर हैं या डेप्टी कमिश्नर। क्या बात है जी, मज़े के साथ गाड़ियों में बैठे हुए हैं और इन्जॉय करने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों के लिए इन्जॉयमेंट ही है, मुश्किलात तो आम गरीब इंसान को ही है। ये जी सेम का पानी है, इतना ज़्यादा शोर है ना, आप समझ लें जैसे कोई दरिया ही इसमें गिर रहा हो। तो इसका जो है वो पुली छोटी थी, इस वजह से ये रास्ता खुद ब खुद इसने बनाया है पानी में, और शुक्र है कि जलालपुर वाले लोग बच गए हैं। अभी हमें फ़ोन पर पता चला कि पांचा से पानी आ गया, तो अभी फ़ौरन मैं उसने मोटरसाइकिल मोड़ दिया है। ये साइडों पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद लगाए हुए हैं पानी को अपने गांवों के अंदर एंटर होने से बचाने के लिए। मामला हाल अल्लाह पाक खैर करे, इतने सारे तरफ ना छोड़ो। चलो, ये पांच चक वाले लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद लगा रहे हैं मिट्टी को भर भर के। अभी मगरब का टाइम भी हो गया, काफ़ी अंधेरा हो गया, तो इसलिए ज़रा रोशनी कम है। हम वापसी का भी इख्तियार कर चुके हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैं वापस आ चुका हूँ और आपको सारी सिचुएशन भी दिखा दी है। अब मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ, तो अभी वापसी पे रास्ते पे ये जो मैंने दो तस्वीरें शेयर की हैं भाई साजिद की, अल मदीना किराना शॉप, वहाँ से मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ उनको शेयर भी कर दूँ। अब अपने होस्ट आर्य अब्बास को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले बाकी कल वाली बात तो आपको याद होगी ना, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ओके जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।